हमने अपने उत्तर में बताया है कि एक तो जिनको प्रधानाचार्य जो सदर मदरिस जो भी है बनाया गया उनकी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं थी, उनसे वरीय शिक्षक उपलब्ध थे लेकिन उनके दावे को नजरअंदाज करते हुए कनीय शिक्षक को हेडमास्टर बना दिया गया, इसलिए उनके दावे को खारिज किया गया। ये सब प्रक्रिया और जांच में प्रतिवेदन मंगाने में समय लगता है। और दूसरी बात कि सीधे हाफिज से फाजिल में प्रोन्नति दी गई दूसरे शिक्षक को, जबकि बीच में मौलवी और दूसरे पद भी सोपान है, सीढ़ी है, उससे होते हुए ही वहां जा सकते हैं, इसलिए नहीं मांगा गया। और इन सब चीजों की गहराई से जांच में वक्त लगता है। ठीक था कि श्री नैयर आजम को हाफिज से फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है, तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में दो सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं, वो हैं मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे। और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। सर अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया। नहीं सर, नहीं सर, सर सर एक सर एक पूरक सर, सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम सर 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 एक मिनट सर सर, पूरे पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला यह है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर सर एक मिनट सर, टेक्निकल मामला सर सर टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल किया, एमए किया, तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप तो इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फाजिल को डिग्री दी। श्री अजीत कुमार सिंह, महोदय अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था, बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे, तो सीधे बात न करनी चाहिए। श्री अजीत अब बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाएं, दूसरे की भी चिंता करें। माननीय सदस्यगण, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भी 100% प्रश्नों का जवाब आया है, 100%, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य भागीदारी कर सके सदन में। थोड़ा ये ध्यान में हम सबको रखना है और सहयोग करना है।